इधर ग्वालियर में एक पति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मामला थातीपुर थाना क्षेत्र का, जहां अशोकनगर में रहने वाला दशरथ जाटव मजदूरी करता है, जिसका पत्नी से किसी बात पर विवाद हो गया था, जिसके चलते उसने आक्रोशित होकर हसीये से अपनी पत्नी पर जानलेवा हमला करके घायल कर दिया और मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने घायल महिला को जयारोग्य अस्पताल में भर्ती किया है। मामले की जाँच शुरू कर दी है। घर वालों में मारा है। किसने मारा आपको? पति ने हमारे। क्या नाम है उसका? जसोरा था। अच्छा, फिर क्या करता है? क्या करता है? बेलदारी काम करा रहा। कहाँ रहते हो? अशोक कॉलोनी। तो हुआ क्या था? कुछ नहीं, वैसे घर फालतू में घर चक्कर में। शराब वराब पीते क्या? नहीं, कुछ नहीं पीता। फिर ऐसे ही अपने आप हुई। कई साल से कर लिया? असिया से। अच्छा, कहाँ से बात की इनने? कहाँ, कितनी बार किया आपने? बहुत बार। अच्छा, मैं शाम को 4 बजे करीब घंटे टाइम पर सूचना आई थी कि सिद्धेश्वर नगर में एक महिला को उसके पति द्वारा प्राणघातक रूप से हमला किया गया है। इस सूचना पर मौके पर गए पति आना जाना खराबी को उसको तत्काल मौके से 108 DH रवाना किया गया। पति घटना करने के तुरंत बाद मौके से फरार हो गया है। पत्नी का नाम श्रीमती राम कुमारी है।